नमस्ते भारतवासियों, सुना है कि आप लोग काफी बवाल मचा रहे हैं और बड़ा दुख व्यक्त कर रहे हैं। कुछ सीआरपीएफ के लोग मर गए है ना? कितने 44 लोग थे। अरे 44 हो या 440 हो, आप लोग क्यों दुख मना रहे इतना? इसमें दुख की वाली क्या बात है इतनी? आप तो वो करिए जो इस देश में सही है, जो सेक्युलर लोग करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले में कई दर्जन सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। जवानों की शहादत के बाद देश भर में कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों ने भी हमलों की तीखी आलोचना की है। इस बीच बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम ने आतंकी हमले के बाद बिना किसी का नाम लिए निशाना साधा है। दरअसल सोनू निगम ने एक वीडियो के जरिए सवाल पूछा है कि जवानों की शहादत का अफसोस आप क्यों मना रहे हैं? आप तो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसी सोच रखने वाले सेक्युलर लोग हैं। सोनू इस वीडियो में आगे कहते हैं कि सुना है आप लोग काफी बवाल मचा रहे हैं, दुख जता रहे हैं, क्योंकि कुछ सीआरपीएफ के लोग मर गए हैं। कुछ 44 लोग थे, 44 लोग हो या 440 लोग, आप क्यों इतना दुख मना रहे हैं? इसमें दुख मनाने वाली क्या बात है? आप वो करिए जो इस देश में सही है, जो सेक्युलर लोग करते हैं। इन बातों पर दुख मनाना बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी संस्था पर छोड़ दीजिए, वो करिए जो सेक्युलर लोग करते हैं। एक बार फिर सुने सोनू निगम इस पूरे वीडियो में क्या कह रहे हैं। नमस्ते भारतवासियों, सुना है कि आप लोग काफी बवाल मचा रहे हैं और बड़ा दुख व्यक्त कर रहे हैं। कुछ सीआरपीएफ के लोग मर गए है ना? कितने 44 लोग थे। अरे 44 हो या 440 हो, आप लोग क्यों दुख मना रहे इतना? इसमें दुख की वाली क्या बात है इतनी? आप तो वो करिए जो इस देश में सही है, जो सेक्युलर लोग करते हैं। इन बातों में दुख मनाना है छोड़ दीजिए, आरएसएस पे, बीजेपी पे, हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी सो कॉल्ड संस्थाओं पे छोड़ दीजिए। आप तो वो कीजिए जो यहां पर सेक्युलर लोग करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफसल हम शर्मिंदा हैं। फिर से बोलिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे। सुना आपने सोनू निगम क्या कह रहे हैं? दरअसल सोनू निगम का ये तीखा कटाक्ष बॉलीवुड के उन सेलिब्रिटीज के ऊपर है जो तमाम मुद्दों पर मानवाधिकार की बात करते आए हैं। आपको बता दें कि आतंकियों के हमले में 40 जवान शहीद हो गए हैं, कई जवान अब भी घायल हैं। पाकिस्तानी आतंकियों की इस कायराना घटना के बाद बॉलीवुड के कई सितारों ने ट्वीट कर आतंकियों की इस कायरतापूर्ण हरकत की कड़ी निंदा की है। तो वहीं सोनू निगम ने बिना नाम लिए कई लोगों पर तीखा हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।